Assalamualaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another video. तो यार आज की वीडियो जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटरनेट से रिलेटेड हमने थोड़ी सी बातें की भी थी पिछली वीडियो में, तो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हुए हैं, जो मोस्ट कॉमन है, तो उनको आज जो है मैं आंसर करना चाहूँगा। और वैसे भी जो है ऑफकोर्स अगर आपने अभी तक ईटा दे दिया हुआ है और आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक आपने ईटा नहीं दिया तो एक जो है ईटा परसों हो रहा है, तो यार विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और अल्लाह करे आप सब लोग कामयाब हों। तो यार जब भी आप ईटा देते हैं तो ऑफकोर्स जो है आपके माइंड में यही होता है कि आपको यूईटी आना है, यूईटी पिशावर या यूईटी टेक्सला या यूईटी लाहौर या कहीं भी, लेकिन यह है कि बेस्ट ऑफकोर्स जो ईटा देगा बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है आपके पास होती है वो यूईटी ही होती है। तो इस बात को यार बहुत से लोग मुझे क्वेश्चंस भी रिसीव हुए हैं और ये है कि इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके मेरिट की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन सा मेरिट कितना बनता है। और एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ी यार, वो भी क्लियर करना चाहूँगा। तो आपको ये करना है कि वीडियो को स्टार्ट से आखिर तक देखना है, एंड अगर आपको लगा कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो फॉर सपोर्ट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी भी मेरे पास बिल्कुल सेटअप नहीं है क्योंकि मैं जो है आई एम लिविंग अवे फ्रॉम माई होम, तो हाथ में कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। तो एनीवेज लेट्स गेट इनटू वीडियो। अच्छा सबसे पहले गैज ये बात है कि आप दो नाम जो है सुनते हैं जब भी हम बात करते हैं मेरिट की, मेरिट लिस्ट की, ठीक है। एक होता है ओपन मेरिट और दूसरा होता है हमारे पास सेल्फ फाइनेंस। अच्छा पहले यार एक बात मैं क्लियर करूंगा जो कि क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हुआ, क्या ईटा इम्पॉर्टेंट है यूईटी में एडमिशन के लिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, ईटा इज़ कंपल्सरी फॉर एडमिशन इन यूईटी एक्सेप्ट फ्रॉम टू फील्ड्स विच आर नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स, कंप्यूटर साइंस जिसे हम कहते हैं बी एस कंप्यूटर साइंस इन यूईटी मर्दान एंड बीएस कंप्यूटर साइंस इन यूईटी पिशावर। तो बीएस कंप्यूटर साइंस में ये क्या वो इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है, वो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड कहते हैं, उनके लिए ईटा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंजीनियरिंग फील्ड के लिए उसके अलावा ईटा नेसेसरी। अगर आपने ईटा टेस्ट नहीं दिया, इफ़ यू मिस्ड इट, इसका मतलब आपका साल ज़ाया हो गया अगर आप कहीं और एडमिशन नहीं लेना चाहते तो। अच्छा यार अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की कि ये सेल्फ फाइनेंस और मेरिट ओपन मेरिट का मतलब क्या है। अब ये है कि ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि यार जो सेल्फ फाइनेंस है उसके लिए शायद ईटा नहीं ज़रूरी होता या उसका मेरिट शायद कम होता है या हम पैसे दे के जो है बस यूनिवर्सिटी चले, इस तरह नहीं होता है। मेरिट लिस्ट बनने का जो क्राइटेरिया है वो आप किसी भी वेबसाइट पर जाके यूईटी की देख लें, वो सेम है। 40% ईटा के मार्क्स, 50% आपकी एफएससी के मार्क्स और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स, ये सारे मार्क्स जो है आपके मिल के बनते हैं, जो टोटल आपका एग्रीगेट बनता है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब हम बात करते हैं ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस, इनका मतलब क्या है। तो यार सेल्फ फाइनेंस में ये होता है कि उसकी फीस ज़्यादा होती है। अब ये है कि ईटा जो है ईटा दे के आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ईटा इज़ बेसिकली स्कॉलरशिप। तो अगर आपका ईटा पास होता है और आपको ओपन मेरिट वाली सीट्स पर एडमिशन हो जाता है तो ओपन मेरिट वाली सीट्स पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल जाती है, ठीक है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपकी फीस कम होती है। अब सेल्फ फाइनेंस और ओपन मेरिट की सीट्स में अगर कोई कुछ फ़र्क है तो मेरिट का कुछ फ़र्क नहीं है, ना ही क्राइटेरिया का फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो आपकी फ़ीस का है कि आप कितनी फ़ीस देंगे, सही है। अगर 40,000 50,000 आप जो है वो ओपन मेरिट वाली सीट पे दे रहे हैं तो 1,20,000 आपको जो है वो सेल्फ फाइनेंस पर देनी पड़ेगी। इसी रीज़न की वजह से बहुत से लोग होते हैं, ऑफकोर्स अगर एक बंदा ऑप्ट कर रहा है यूईटी तो ऑफकोर्स ही इज़ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और ही इज़ प्रेफरिंग यूईटी फॉर एनी रीज़न, तो ये है कि वो प्रेफर यही कर रहा होता है कि ओपन मेरिट पे हो। तो बहुत से लोग, मैंने खुद जो है वो सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था। अब अप्लाई ना करने से क्या होता है कि जो मेरिट होता है वो जो है उसका थोड़ा मेरिट लो होने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है कम लोग जिस जो है लिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर जो है फॉर एग्जांपल जो ओपन मेरिट वाली सीट्स हैं उसका मेरिट लोज होता है फॉर एग्जांपल 80% पे, तो जो सेल्फ फाइनेंस वाली सीट्स हैं उनका जो है मेरिट लोज होगा, डिपेंड करता है, सही है, मे बी 70% पे या 65% पे, तो इतना जो है इस तरह फ़र्क अक्सर रहता है, ठीक है। तो आई होप कि इससे आपके जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब है इसका और एडमिशन्स का क्राइटेरिया क्या है, और क्राइटेरिया सेम है, और आपको ये भी मैंने बता दिया कि आपका एग्रीगेट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टुडे फॉर दिस वीडियो। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखें,
अस्सलाम वालेकुम।